हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट वीडियो तक मैंने जो है आपको टॉपिक था असेसमेंट ऑफ HAF वो कंप्लीट करा था, और उसके अंदर आपका जो पहला पॉइंट था सैलरी टू मेंबर वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी इसके अंदर मैं उसका सेकंड पॉइंट जो है वो कंप्लीट करता हूँ, जिससे ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके हिंदी बुक में दे रखे हैं केवल, और इंग्लिश में नहीं है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि बेसिकली हिंदी बुक की ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश में कुछ कुछ छोटे बड़े पॉइंट्स जो है वो इन्होंने कहीं कहीं ड्रॉप कर दिए, बट बेस बुक मोस्टली इंग्लिश बुक नहीं होती बल्कि हिंदी बुक ही मेन जो है वो चलती है। ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम के अपने यहाँ रहते हैं, तो इसलिए उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मैंने इसलिए हमेशा सारे लेसन्स में लिखवाई है कि ऐसा नहीं हो कि कोई टॉपिक आपके छोटा बड़ा थ्योरी का क्वेश्चन मिस हो जाए। तो देखिए कि यहाँ पर जो इसका सेकेंड पॉइंट था, पहला पॉइंट मैंने आपको सैलरी एक्सप्लेन कर दिया था डिटेल से कि सैलरी कब जो है वो खुद की उसकी होती है और कब आपके जो है उसके HAF की, तो अभी मैं उसको वापस बार बार डिस्कशन नहीं करते। अपन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं बता रहा हूँ कि रेमुनरेशन अर्न बाय HAF मेंबर एज डायरेक्टर और पार्टनर, यानी अगर HAF का जो फैमिली मेम्बर है अगर वो कहीं जॉब करता है तो कौन सी सिचुएशन होती है जबकि वो इनकम उसकी खुद की पर्सनल इनकम मानी जाती है, और कौन सी सिचुएशन होती है जबकि उसकी इनकम जो है उसकी पर्सनल इनकम ना मानी जाकर HAF की इनकम मानी जाती है। तो अपन देखते हैं, देखिए मैंने थोड़ा डिटेल जो है इतना नहीं पर ब्रीफ में इसको लिखा है जिससे आप आराम से इसको समझ सकते हैं कि HAF इन्वेस्ट एंड ही अर्न देन दिस इनकम विल बी HAF इनकम। मीन्स अगर उस व्यक्ति को जो HAF परिवार का मेंबर है उसको इसी वजह से केवल जो है वहाँ पर कंपनी के अंदर अगर उन्होंने अच्छे खासे शेयर्स परचेज कर रखे हैं और कंपनी में उसको डायरेक्टर बनाया गया है, या फिर फर्म में उन्होंने पैसे लगाए हैं और इसीलिए HAF के एक मेंबर को वहाँ पर पार्टनर बनाया गया है, तो वहाँ से आने वाली इनकम जो होगी उस बिज़नेस की फर्म की जो भी इनकम होगी वो परिवार की आय मानी जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति की जिस मेंबर को वहाँ पर लगाया गया है उसमें उसका कोई पर्सनल एफर्ट्स नहीं है, उसने ऐसा कुछ उसमें किया नहीं कि उसको अपन अलग से कुछ जो है रेम्यूनरेशन दे, तो इसीलिए ये इनकम जो है टोटली किसकी मानी जाएगी, परिवार की, क्योंकि वहाँ पर उसके काम करने के कारण नहीं, उसकी खुद की कोई पर्सनल एबिलिटी के कारण नहीं, बल्कि HAF के लगाए गए धन की वजह से, अमाउंट मनी इन्वेस्ट करने की वजह से वहाँ पर वो चीज़ उसको मिली है, तो इसलिए ये इनकम जो है वो किसकी मानी जाएगी, HAF की। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि इफ़ ही डन वर्क फॉर इट दिस विल बी हिज पर्सनल इनकम, तो यानी कि अगर वो खुद वहाँ पर काम करता है, जैसे मान लीजिए कि वो CA है, CS है, अकाउंटेंट है, MBA है, कुछ भी हो, और अगर वो खुद वहाँ पर काम करता है तो दिस विल बी हिज पर्सनल इनकम, तो वो उसकी खुद की पर्सनल इनकम मानी जाएगी क्योंकि उसने काम किया है, और काम करने के बदले अगर उसको पैसा मिलता है तो नेचुरली उसकी खुद के एफर्ट्स की वजह से पैसा मिला है, ना कि परिवार के नाम की वजह से। भले ही परिवार की वजह से भले ही उसको वहाँ पर नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी मिल जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कभी ऐसा जीवन में ऐसा समय आता है कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में अगर कभी किसी की सिफारिश लेनी पड़े, तो सिफारिश लेने पर आपने जो है मेहनत करके रिटर्न टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू के टाइम पर अगर आपको कहीं से थोड़ी बहुत सिफारिश लगवा कर आपकी जॉब लग गई, तो ये थोड़ी ना रहेगा कि जिसने सिफारिश लगाई है आपकी उसको ज़िंदगी भर आपको पैसा देना पड़ेगा या सैलरी का कुछ पार्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ये ज़रूर है कि जब वो लगवाए तब भले आप जो भी सेटलमेंट बैठता है, देना लेना जो भी है वो अलग बात है, अदरवाइज आपके जॉब करने के बदले जो सैलरी मिलेगी उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। तो ये इसका जो है डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया। अब उसके बाद है इसके अंदर अगला वर्ड है स्त्री धन। ये वर्ड इंग्लिश बुक में मैंने उसमें जो देखा है थ्योरी जो बुक के अंदर उसमें मिला नहीं, तो इसका मतलब कि ये सिर्फ हिंदी बुक में दे रखा है स्त्री धन वर्ड। तो स्त्री धन का मतलब ये होता है बेसिकली, ये मैंने यहाँ लिखा है, चलिए वो भी मैं पढ़ देता हूँ, कि एसेट्स गिवन बाय हिज फादर ब्रदर एंड एनी अदर रिलेटिव ऑन हिज मैरिज और आफ्टर। तो यानी कि कोई भी स्त्री को, किसी भी औरत को अगर उसकी शादी के ऊपर जो भी उसके फैमिली मेंबर हो, फादर हो, ब्रदर हो, कोई भी रिलेटिव है, कुछ भी धन संपत्ति देते हैं, कैश हो, गोल्ड हो, एसेट्स हो, आपके जो चाय बली फर्नीचर हो, प्लॉट भी हो, मकान भी हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, जैसा जो दे, तो वो सारा का सारा पर्टिकुलरली जो है वो उसी स्त्री का होगा, उसी लड़की का होगा जिसको मिला है। और इसको स्त्री धन बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो उसी की प्रॉपर्टी होती है, वो उसी की एसेट्स होती है, और कोई भी व्यक्ति
यहाँ तक कि उसके हस्बैंड को भी ये अधिकार नहीं है कि वो उस धन को, उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट्स को जो है वो बेच सके, किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र करे बिना उस स्त्री के परमिशन के। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्त्री धन। तो बेसिकली ये एक ऐसी प्रॉपर्टी, इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे कोई लेडीज़ को शादी में जो गहने वहने मिलते हैं तो वो हमेशा उसको संजो के रखती है। एक ऐसा भी टाइम हुआ करता था हमारे कल्चर के अंदर कि जैसे शादी होती थी तो उसकी जो जो भी जिसकी भी मैरिज होती थी उसकी सासू जो है वो कहती थी कि भाई सारे गहने वहने मुझे दे दे, और वो खुद का जो एसेट्स होता था या खुद के जो ज्वेलरी है वो सारी उसको देनी पड़ती थी, और उसको खुद को पहनने के लिए भी मांगना पड़ता था। लेकिन अब तो काफ़ी एजुकेशन जो है वो चीज़ों को बदल रही है, और आजकल सारे जो खुद गर्ल्स भी जो है पढ़ी लिखी जो है वो समझदार है, तो वो खुद ही उन चीज़ों को हैंडल करती है, तब वो अपने पास रखती है सारी चीज़ें, ऐसे देने वेने की कोई उसको रिक्वायरमेंट अब रहती नहीं। तो समय बदल रहा है, और उसका मेनली रीज़न जो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन यूँ लगता है कि भाई कई बार की भी एजुकेशन पढ़ के क्या होगा, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये सब हिसाब किताब करते हैं, लेकिन हर चीज़ जो हम आज सीख रहे हैं, हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, हम जो बोलना सीख रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए, तो वो हर चीज़ जो आ रही है वो एजुकेशन से ही आ रही है। जैसे गांव की बात करें तो पहले एक टाइम था जब वो साहूकार जो है वो किसानों से जो फसल लेता था तो आधी रेट पे भी ले लेता था, या कितना भी कम ज़्यादा करता था उनको कोई मतलब नहीं होता था कि लिया चलो जैसे बिक जाए ठीक है, चलो दो पैसे की इनकम होगी। लेकिन आज वो गांव के लोग भी इतने जो है वो स्मार्ट हो गए कि स्मार्टफोन पर रोज़ की रेट जो है वो मंडी के भाव देखते हैं कि आज 4800 है, 4500 है, 4600 है, तो उसे बार्गेनिंग करते हैं और उसे एक रुपया भी कम नहीं लेते। तो ये सारा एजुकेशन की वजह से ही जो है वो चीज़ें आगे से आगे बढ़ती जाती है। अब देखिए इसके अंदर एक इसका एक्सेप्शन भी है कि इन दाय भाग स्कूल एसेट्स रिसीव फ्रॉम हस्बैंड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन स्त्री धन। तो यानी कि अगर दाय भाग संप्रदाय है, जैसे मिताक्षरा और दाय भाग दो थे, तो मिताक्षरा और दाय भाग में ये एक्सेप्शन है कि अगर किसी स्त्री को अपने हस्बैंड से अगर कोई एसेट्स ट्रांसफ़र हुई है तो वो स्त्री धन में नहीं रहेगी, बल्कि वो उसकी दोनों की कम्बाइंड एसेट्स ही मानी जाएगी, और उसकी इनकम को भी वो शेयर कर सकते हैं। उस पर वो केवल ये नहीं कह सकती है कि नहीं भाई मेरी ही एसेट्स है, ठीक है, और ये सिर्फ कौन से जो है आपके स्कूल के अंदर माना गया, मतलब संप्रदाय में माना गया, सिर्फ दाय भाग में, मिताक्षरा में नहीं। उसके बाद एक और इसमें एक ऐसा वर्ड मैंने पढ़ा है कि भाई हिंदी बुक के अंदर है आपके इम्पार्टिबल एसेट, जो कि इंग्लिश बुक में है नहीं, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं है, मेरे पास जो नोट्स मतलब जो बुक पढ़ी थी उसे मैंने देखे हैं तो उसके अंदर ये मिला नहीं। तो इम्पार्टिबल एसेट जो है वो इसका मतलब ये होता है कि भाई ऐसे एसेट्स, हिंदी में हमेशा ही वर्ड जो होते हैं वो इंग्लिश वर्ड का जिनको मीनिंग पता है वो तो ठीक है, अदरवाइज हिंदी वर्ड तो ऐसा होता है कि वो उसका पूरा मीनिंग खुद ही एक्सप्रेस कर देता है। अविभाजनीय संपत्ति, यानी कई बार एसेट्स ऐसी होती है जिसको बांटा नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मकान है, पेरेंटल हाउस है, एक ही घर है, अब चार बेटे हैं तो उसके टुकड़े कर नहीं सकते, या फिर उसके अंदर इस तरह का कोई पार्टीशन भी सेट नहीं कर सकते कि भाई एक मकान के उन्होंने चार अलग अलग भाग बना दिए और चारों ने अलग अलग शेयर कर लिया। ज्वेलरी है, मान लीजिए कि कोई बड़ा गोल्ड का जो है हार है तो उसके टुकड़े करेंगे तो वो यूज़लेस हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि इस तरह की एसेट्स हो सकती है जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो खेत है, तो खेत है तो तब तो मान लो कि 15 बीघा ज़मीन है तो चार टुकड़े करके चारों भाई अपने नाम पे रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं, लेकिन कुछ एसेट जो मैंने बताया है नहीं बांट सकते हैं, तो उसका क्या होगा, वो किसके नाम होगी, उसकी एसेट्स किसकी मानी जाएगी, तो ये एक प्रश्न बनता है। तो इसका पहले मैंने जो लिखा वो बताता हूँ कि ये जो एसेट्स होगी, मेनली दिस एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, यानी वही बात कि जो परिवार का कर्ता होगा ये उसको एसेट जो है ट्रांसफ़र होगी। कर्ता वर्ड जो है, कर्ता वर्ड बना ही इसीलिए है कि भाई मेन कर्ता धर्ता वही है सारा परिवार को संभालने वाला, तो इसीलिए हम इस एसेट्स को जो है परिवार के कर्ता को ट्रांसफ़र करेंगे, और वो जो होगा उसी को उसकी इनकम भी है वो ट्रांसफ़र की जाएगी, उसकी इनकम में हम उसकी इनकम को शामिल करेंगे। जैसे मकान है और मकान के पार्टीशन तो हो नहीं सकते, तो अभी वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति जो है उसी का मकान माना जाएगा और उसका किराया विराया जो भी होगा वो उसी की इनकम में जोड़ा जाएगा। और इसमें एक अलग सी चीज़, एक फ़ायदा दूसरे मेंबर्स को भी हो रहा है। जैसे हमको लगता है कि जब अगर उसकी इनकम जो है वो केवल उसकी खुद की पर्सनल इनकम बन रही है तो उसे बाकी मेंबर्स को फिर क्या फ़ायदा होगा, तो इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एसेट्स वो रख रहा है, एसेट्स उसके नाम पर है, तो उसकी इनकम तो उसकी खुद की पर्सनल इनकम मानी जाएगी, लेकिन अगर वो इस एसेट्स का पार्टीशन करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है बाकी लोगों में, तो उनको एक बड़ा फ़ायदा होगा कि
वो अगर दूसरे मेंबर को अगर ट्रांसफ़र करेगा तो विल नॉट पे टैक्स ऑन इट, यानी कि वो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इनकम को कमाया होता है उसी को उसके ऊपर टैक्स देना होता है, बाकी किसी व्यक्ति को अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, नौकरी करता है, सैलरी कमाता है, सैलरी पर टैक्स दे देता है, तो वो कमाई हुई इनकम को अगर वो बांटता है, चाहे फैमिली मेम्बर्स में बांटे, बच्चों को दे, बीवी को दे, भाई को दे, तो उनको वापस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमने साल भर में इनकम टैक्स में ये चीज़ बहुत बार डिस्कस करी कि टैक्स एक जना देता है, दोनों नहीं। जैसे फर्म ने टैक्स दिया फिर पैसा पार्टनर को दे दिया, तो फर्म ने टैक्स दिया तब इस इनकम पर पार्टनर को टैक्स नहीं देना है। और अगर पार्टनर ने डायरेक्ट फर्म से कोई इनकम ली है या कुछ पैसा लिया जिस पर फर्म ने टैक्स भरा नहीं, तो अब फर्म को टैक्स ना देने के कारण पार्टनर उस इनकम के ऊपर जो है वो क्या करेगा, टैक्स देगा। और अब इसके बाद ये जो बोर्ड पे मैंने लिखा है इसको एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद लास्ट जो है आपकी थ्योरी के अंदर दो पार्ट है, एक तो है कि डिफरेंस पार्टनरशिप फर्म में और आपके HEF में, तो वो तो इस तरह के हैं कि उनको बहुत आराम से पढ़ के समझा जा सकता है, कोई उसमें इश्यू नहीं। और लास्ट फाइनल जो चीज़ है इसके अंदर वो आपकी है जो थोड़ी प्रैक्टिकल से रिलेवेंट है कि इनकम विच आर नॉट ट्रीटेड एज फैमिली इनकम, यानी कुछ ऐसी इनकम जिनको कि हम फैमिली इनकम में नहीं शामिल करेंगे, तो बस वो इसके अंदर मुझे एक्सप्लेन करनी है, तो उसके बाद इसकी थ्योरी आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए अब इसके अंदर लास्ट जो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो थ्योरी के अंदर अच्छा एक क्वेश्चन आ सकता है आपके 7 नंबर वाले में स्लॉट के अंदर, कि डिफरेंस बिटवीन HEF एंड फर्म, तो क्या डिफरेंसेस होते हैं। किताब में जैसे लाइन में ऐसे एक एक लाइन में दोनों समझाए हुए हैं, तो मैंने इसको अलग से एक टेबल बनाकर पूरा अलग से रिप्रेजेंट किया है, जिससे आप आराम से और भी उसको अच्छे से याद रख सको। तो सबसे पहला डिफरेंस है, उसका बेसिस है लॉ, कि HEF परिवार के ऊपर जो है जो लॉ लगता है वो हिंदू लॉ लगता है। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उनके सारे रिलेशन, उनके सारे डिसीजन जो है लॉ है वो सारे बने हुए हैं। और जबकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 लगता है, जिसके अकॉर्डिंग पार्टनर का एडमिशन, रिटायरमेंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड होती है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर है आपका इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट में है कि अगर HEF के अंदर ही विल, यानी कि मेंबर जो है ही विल बी मेंबर ऑफ HEF, यानी अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है HEF परिवार का किसी भी रीज़न से अगर कोई लोन वोन लेता है या कहीं बोरोइंग्स है वो नहीं चुका पाया, और उस कारण से अगर उसको इंस्टॉलमेंट घोषित किया गया, लेकिन फिर भी वो HEF का मेंबर बना रहेगा, मतलब परिवार का सदस्य बना रहेगा, साथ साथ फैमिली बिजनेस में से भी उस जरूरी नहीं कि उसको निकाला जाए, तो वो अपनी पर्सनल लायबिलिटी को पूरी नहीं कर पाया, उस वजह से अगर इंस्टॉलमेंसी हुई तो भी उसको मेंबर जो है वो परिवार का सदस्य तो बना रहने का अधिकार होगा। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होगा, कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको पार्टनरशिप फर्म में से अलग कर दिया जाएगा और वो अब पार्टनरशिप फर्म का मेंबर जो है वो या पार्टनर नहीं रह सकता। तीसरा है डेथ। डेथ ऑफ मेंबर डू नॉट इफेक्ट HEF और इट विल कंटिन्यू, यानी कि इतना लंबा चौड़ा परिवार होता है, कई सारे भाई, उनकी वाइफ, बच्चे, इस तरह से, तो किसी भी एक व्यक्ति की, जैसे कि किसी पुत्र की या भाई की, किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उससे HEF परिवार जो है वो खंडित नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा कि एक व्यक्ति की मृत्यु होते ही परिवार का विभाजन कर दिया जाएगा या परिवार अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा जब तक कि वो इस तरह का कुछ आगे डिसीजन खुद ना ले, क्योंकि वो खुद चाहें तो परिवार का विभाजन कर सकते हैं। और हर व्यक्ति, अलग अलग जो व्यक्ति है वो अपना अलग अलग HEF बना सकता है, जिसकी थ्योरी मैंने आपको पहले भी बताई, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति HEF तब बना पाता है जबकि वो खुद विवाहित हो और वो उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो है वो मिलकर एक HEF बना सकते हैं। सॉरी। उसके बाद इसके अंदर है कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है इज़ डिसॉल्व आफ्टर डेथ ऑफ एनी पार्टनर, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये नियम होता है कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो उस कंडीशन के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म जो एक बार जो फॉर्म चल रही है वो तो ब्रेक हो जाती है, वो डिसॉल्व हो जाती है, फिर बाद में उनकी इच्छा है कि जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो उनके ऊपर है, कि जैसे 4 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई और वो चाहते हैं कि नहीं बचे हुए 3 जो है वो वापस से एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप को रिफॉर्म करते हैं और उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो उनकी पार्टनरशिप थी, जो एग्रीमेंट उनके थे, वो एक बार ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि एक पार्टनर की डेथ होते ही पार्टनरशिप पूरी भंग हो जाती है। और कई बार ऐसा स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर रखा होता है कि भाई जब भी किसी भी एक पार्टनर की डेथ होगी तो हम पार्टनरशिप को जो है वो क्लोज कर देंगे, उसका वाइंड अप कर देंगे। अगला है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स।
मेंबर हैव नॉट एनी राइट, यानी परिवार के अंदर जैसे हम लोग भी हैं, क्या हमारे पेरेंट्स से हमने कभी पूछा है कि आप बताएं कि भाई आपकी जो सैलरी है वो कितनी आती है, आप कहाँ कहाँ खर्च करते हो, आपने कहाँ सिक्योरिटी में, लोन्स में, बैंक में कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या उधार ले रखा है, कोई नहीं पूछ पाता है उनसे। पूछने की हिम्मत भी नहीं होती कि हम उनसे इतना पूछ लें, और अगर हिम्मत कर भी लो कि चलो भाई हिम्मत कर ली कि पूछ ले तो बताएं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आपको सब बताएं। हो सकता है एक आध बात चलो कि सैलरी का आपने पूछ लिया, उन्होंने बता दिया कि चलो मेरी सैलरी 20, 30, 40, 50 जो भी है एक्स वाई जेड वो बता दी, लेकिन वो सारा बताने के लिए कोई मजबूर नहीं है कि वो बताए ही बताए। तो परिवार का कर्ता है वो सारा करता धरता होता है, जैसे मैंने बार बार वर्ड यूज़ किया है कि भी करता धरता है सब उसी के हाथ में है, वो अच्छा करे गलत करे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पास पावर होती है तो वो उसका थोड़ा मिसयूज़ भी कर सकते हैं, पैसे का इनकम का अपने हिसाब से यूज़ करें, कुछ इनकम को छुपा ले कर ले, तो वो सब पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती है। लेकिन पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनर हैव दिस राइट, पार्टनर्स को ये पूरा अधिकार है कि भले ही वो सिर्फ कैपिटल लगा रहे हैं या भले कैपिटल नहीं लगा के वो सिर्फ वर्क ही कर रहे हैं, तो चाहे वो एक्टिव पार्टनर है चाहे वो कैपिटल देने वाला पार्टनर है, सबको अधिकार है कि वो फर्म के अकाउंट को चेक कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट लॉस के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में देख कर डिसीजन भी ले सकते हैं, कुछ अपनी राय भी दे सकते हैं, तो उनको पूरी फ्रीडम है इस बारे में। फिर उसके बाद है एडमिशन ऑफ न्यू मेम्बर, तो देखिए इसमें है कि कंसेंट ऑफ फैमिली मेम्बर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर न्यू एंट्रेंस, यानी कि एच यू परिवार के अंदर कॉन्सेंट का मतलब कि जो स्वीकृति होती है फैमिली के मेम्बर्स की वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने इसमें लास्ट में लिखा भी है बर्थ, यानी परिवार के अंदर अगर किसी जैसे भाई है भतीजा है जो भी है उसके अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म लेते ही उस परिवार का मेंबर बन जाता है, उसको कहीं से रिटर्न परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं कि वो इस परिवार का सदस्य बने, इससे पहले लीगल फॉर्मेलिटीज़ होगी और उसके बाद ही उसको मेंबर घोषित किया जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा होता है कि पार्टनर्स है विथ परमिशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है कि जैसा एच यू एफ में हुआ कि किसी भी बच्चे का जन्म होते ही वो परिवार का सदस्य बन गया, परिवार का मेंबर बन गया, अगर लड़का है तो वो सहभागी बन गया, तो सहभागी बनने से उसको एसेट्स पर अधिकार मांगना जो है वो भी अधिकार भी मिल जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में अगर पहले दो पार्टनर है और उसमें से एक चाहता है कि नया पार्टनर बनाए और दूसरा नहीं चाहता है कि नहीं बनाए, तो आप किसी नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। तो मतलब कि आपको सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पार्टनरशिप डीड के कई सारी चीज़ों की जो है स्वीकृति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई व्यक्ति पार्टनरशिप के अंदर एडमिट हो पाएगा। उसके बाद है इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पार्टनरशिप का आपको पता है कि वो चेंज होता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, या किसी पार्टनर के एडमिशन और रिटायरमेंट पर भी उसको चेंज किया जा सकता है, और जबकि यहाँ पर इसमें चेंज होता है इन द शेयर ऑफ बर्थ और डेथ। तो मतलब कि पार्टनर का जो है हिस्सा जो होता है वो किसी भी नए व्यक्ति के जन्म पर या किसी व्यक्ति की मृत्यु की वजह से चेंज हो जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मेंबर्स कम हो जाएंगे तो बाकी वालों को ज़्यादा भी मिल सकता है, या किसी का जन्म होने पर एक और सहभागी बढ़ गया तो उसकी वजह से हिस्सेदारी में आपके चेंज आता है। तो बेसिकली इसमें कोई डीड नहीं होती है, बस खाली जो मेंबर्स हैं उनके चेंज होने पर आपका जो रेशियो है वो बदल सकता है, और जबकि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड में वो कभी भी चेंज कर सकता है कि अभी उनका रेशियो 3-2-1 है और उनको लग रहा है कि सब बराबर काम कर रहे हैं, कैपिटल बराबर लगा रखी है तो क्यों 3-2-1 रेशियो है, रेशियो बराबर करें, तो वो जब चाहे उसको बदल कर जो है 1-1-1 या जो उनकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। और कोई पार्टनर एडमिट होता है रिटायर्ड होता है तब तो वैसे भी रेशियो जो है वो चेंज हो ही जाता है। उसके बाद अगला है इसके अंदर मैक्सिमम नंबर्स, तो एच यू एफ के अंदर नो लिमिट ऑफ मेंबर, कि अभी मेंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, एक परिवार में 10 सदस्य हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो वो तो फैमिली के ऊपर है कि हमारे जो परदादाजी थी उनके कितने बच्चे थे, फिर दादाजी है उनके कितने भाई हैं, फिर दादाजी के कितने बच्चे हैं, मतलब हमारे अंकल ताऊ जी जो भी है वो, तो ऐसे करके ये सारा कोई बाउंडेशन जो है उसका किया नहीं जा सकता कि एक एच एफ फैमिली के अंदर एक हिंदू परिवार के अंदर इतने सदस्य होने चाहिए, जबकि पार्टनरशिप में ऐसी लिमिट है, ऐसा बाउंडेशन है कि फर्म में मैक्सिमम जो है वो कितने मेंबर होने चाहिए, 50। तो 50 सदस्य ही जो है वो आपकी पार्टनरशिप में मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। एंड द लास्ट पॉइंट है इनकी लायबिलिटी, तो पार्टनरशिप फर्म में और एच एफ में ये फ़र्क है कि एच एफ परिवार की जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड यानी कि जितनी उनकी भागीदारी है एच एफ परिवार के बिजनेस में बस वो उतना ही
उनको देना होगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देना है। और जबकि पार्टनरशिप आपने पढ़ी इतने बार कि पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, दैट मीन्स कि बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ उनका वो भी जाएगा और साथ के साथ उनके घर के बर्तन भी बिक जाएंगे अगर उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से लॉस हुआ है या लोन का पेमेंट करना या एनी एक्स वाई जेड जो भी रीज़न होगा तो वो पैसा उनको भरना ही पड़ेगा, इसलिए उनकी लायबिलिटी जो है वो क्या होगी आपकी अनलिमिटेड। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से आपको जो है प्रैक्टिकल टच चीज़ें हैं थोड़ी थ्योरी वो करा के और देन मैं इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करा दूंगा। ओके, थैंक यू।